नमस्कार प्रिय साथियों, आप देख रहे हैं समय संकेत और मैं हूं आपके साथ आपके इष्ट साथी। जी हां प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। जी हां प्रिय साथियों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, सूर्य ग्रह को ग्रहों का अधिपति माना गया है और नौ ग्रहों के अंदर सूर्य देवता को सबसे विशिष्ट स्थान प्रदान है। सूर्य देवता ही एक ऐसे ग्रह है जो हमारे समस्त संसार में ऊर्जा का केंद्र भी है और सनातन धर्म के अंदर तो सूर्य देवता देवता की तरह पूजनीय भी है। सूर्य देवता को पिता के लिए, पुत्र के लिए, यश मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए, सरकार से लाभ के लिए, आत्मविश्वास के लिए जाना गया है। अगर आप नित्य प्रति सूर्य देवता की आराधना करते हैं तो ये सब चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो वर्णन है वो महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के अंदर भी किया है और ऋषि अगस्त्य जी ने इसको भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु दिया था, जिसके द्वारा भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। प्रिय साथियों, अगर आप भी प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसके सकारात्मक परिणाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपके शरीर में रोग है, अगर आप सरकार से लाभ उठाना चाहते हो, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, पिता के पुत्र से अच्छे संबंध नहीं है, कई कारणों में अगर आपको लाभ हासिल करना है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आज हम आदित्य हृदय स्तोत्र का गुणगान करेंगे और अंत में जानेंगे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कैसे करना है और कौन कौन इंसान जो है किस किस कार्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकता है, या कुंडली में सूर्य किस परिस्थिति में हो कि उस इंसान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इन सब विषयों पर हम अंत में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम सबसे पहले एक बार सूर्य देवता की आराधना करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का गुणगान करते हैं। ॐ अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र अस्य अगस्त्य ऋषिः अनुषदुपछन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतेश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रं उपगम्या प्रविद्राम मदस्त्यो भगवांस्तदा। राम राम महाभाव श्रोगुयं सनातनं येन सर्वानर्वत्स समरे विजयस्य से आदित्य हृदयं पुण्यं शर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनः मायुर्वरदम् उत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजय स्वविवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मकोहेश तेजस्वी रश्मिभावन एष देवासुरगणा लोकान् पाति गवस्तिभिः।
केश ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यमांपतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वह्नी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता परभाकर आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गवास्तिमान् सुवर्ण सदृशोर्भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिरमरीचिमान् तिमिरो वदनः शम्भो त्वष्टामार्तकण्डकोशुमान् हिरण्यः गर्भशिशिरः तपनोऽस्कारो रविः अग्निं कर्मोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः वयोमनाथस्तमो भेदि ऋपियजुसामपारकः घनवृष्टिरपामित्रो विन्धयनिधिपलवङ्गमः पीमण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवो दभवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मनमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाय द्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरयश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः ग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानादुदेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकलाभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकशाचिणे नाशयत्तेष वे भूतं तमेश सृजति प्रभो पायतेश तपत्तेश वर्षत्तेश गवस्तिभिः एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः एष जीवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभो येन माप्तषु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कृत्यन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव
पूजयस्वेन मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयस्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं जयिष्यसि। एवं त्वा ततो गस्त्यो जगामास यथा गतम् एत श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवत्वा तिराजमय सुचिर भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य इष्टात्मा जयासं समुपागमत् सर्वयत्नेन मेता वृत्सत्सय वरदे भवत् अथ रविरवदन् निरीक्ष रामम् मुदितमनः परमं प्रहर्षमान् निशिचरपति समक्षयं विदित्वा सुरगणमध्य गतो वचस्वरे। आइए जानते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र को पाठ करने की विधि और उसके लाभ। प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निर्मित होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके एक तांबे का लोटा ले लेना है। उसके अंदर रोली चंदन कुछ पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते हुए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके बाद वहीं पर आपको सूर्य देव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ करने के अंत में आपको सूर्य भगवान को नमस्कार करना है। इस पाठ की शुरुआत आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से शुरुआत करनी है। संभव है अच्छे लाभ के लिए तो आप इसका जाप प्रतिदिन करें, नहीं तो आपको रविवार के दिन कर ही लेना है। दूसरा, आपको जाप करने के दौरान जिन दिनों में आप जाप करेंगे उन दिनों के अंदर आपको मांस मदिरा इसका सेवन नहीं करना है, और साथ में अगर संभव हो तो रविवार के दिन आप नमक का सेवन भी बिल्कुल ना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का लाभ और उसको कौन इंसान कर सकता है? प्रिय साथियों, अगर आपके भी आंखों में कोई तकलीफ है, हड्डियों का कोई रोग है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपको भी शत्रु का भय निरंतर सता रहा है या आपका आत्मविश्वास किसी के सामने बैठकर तुरंत डगमगा जाता है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या केस चल रहा है और लंबे समय से वो जाने का नाम नहीं ले रहा, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। पिता के पुत्र से या पुत्र के पिता से अच्छे संबंध नहीं है, तो भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। भय मुक्ति के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। अगर आप सरकारी या प्राइवेट किसी भी जॉब में हो और आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है, तो भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अंश बल में बहुत ज्यादा कमजोर है, तो भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और प्रिय साथियों, अगर आप सिंह लगन धनु लगन के हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य किसी भी परिस्थिति में हो, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपको बहुत लाभ मिलते हैं। आप इसका प्रतिदिन अगर पाठ करते हैं तो इसके आपको चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।